गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। और आज आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, पूरी पहाड़ों के ऊपर धूप ही धूप दिख रही है चारों तरफ। तो आज मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। जो है ना सनी है वेदर, अभी ठंड भी नहीं है। अभी जैकेट जो है ना हम लोगों ने पहनी नहीं है, जैकेट निकाल के रखी हुई है बैग में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ से जो है ना 11:10 की बस लेनी है। हम लोग जो है ना ब्रेकफास्ट करके निकले घर से। आज हम लोग लंच बाहर करने वाले हैं। यहाँ पे नॉर्वे की जो है ना सैल्मन फिश जो है ना फेमस है, तो हम लोग जो है ना सैल्मन ट्राई करने वाले हैं। तो आज का लंच हम लोगों का बाहर ही होगा, मैंने आज बनाया नहीं है कुछ भी। तो देखते हैं यार यहाँ पे फिश कैसी होती है, क्योंकि हम लोगों ने फिनलैंड में ट्राई किया था सैल्मन, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी पोटैटो फ्राइज के साथ। तो यहाँ का फिश देखते हैं कैसा होता है टेस्ट में, क्योंकि फेमस तो यही की है सैल्मन फिश। और आप पीछे देख सकते हो वेदर भी बहुत क्लियर है और गर्मी लग रही है आज, अच्छा है जो है ना, जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सैमी जा रही है अपने पापा के साथ। सैमी ये थोड़ा स्लोप में है रोड, कितने का डर लग रहा है। नीचे नीचे है पहाड़ पे है ना पूरा का पूरा। हम लोग वो ऊपर से आए थे और दो बार नीचे उतर चुके हैं, अभी तीसरी बार नीचे उतर रहे हैं। तो जो है ना ये पूरा पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है घूम घूम के। शायद इस वाली रोड पे मिलेगी बस। कल तो हम लोग जो है ना अपना बस स्टॉप भूल गए थे कौन सा बस स्टॉप है, और काफ़ी आगे पहुँच गए थे वो। तो लकीली ड्राइवर बहुत अच्छा था, उसने जो है ना आउट ऑफ द वे हम लोगों की हेल्प कर दी थी और हमें छोड़ दिया था घर तक। फ्रेंड्स, हम लोगों की बस आ गई है 10 नंबर। इस स्टॉप से एक ही बस है। हाँ, इस स्टॉप पे ना एक ही बस आती है। मम्मा, निशान खा है आपका जो बीक का निशान था। बढ़िया हूँ। हाँ, लेकिन वो खा पे पहले था। ये आ गई हम लोगों की बस। अभी लोग हम लोग जाते हैं इस बस में सेंटर की तरफ। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना फूलों से पूरा का पूरा जो है ना सजाया हुआ है। और यहाँ पे लोग जो है ना खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। हम लोग आए थे यहाँ पे कल शाम के टाइम पे, यहीं से हम लोगों ने जो है ना बस लिया था, लेकिन अभी तो हम लोग बस में हैं तो जाते हुए देख रहे थे। और ये जो है ना फिश मार्केट है पूरा का पूरा, जो ये कवर करा हुआ था रेड टेंट से। और नेक्स्ट स्टॉप जो है ना हम लोगों का है बस, हम लोग जो है ना बस से उतरने वाले हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं, कितने टूरिस्ट आए हुए हैं इस टाइम पर घूमने के लिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम लोग बस से उतर गए हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है बाहर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए जो ये कलरफुल हाउस है ना, इसमें से एक देखिए ये येलो वाला है रेडिसन ब्लू होटल, कितना छोटा सा है। अब यहाँ बहुत ही प्यारा लग रहा है इनका जो है ना बिल्डिंग का जो कलर है। अभी हम लोगों को रोड क्रॉस करके उस साइड में जाना है। उस साइड में थे, वहाँ से बस से रोड क्रॉस करके इस साइड में आ गए, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हेलो। हम क्रूज में चढ़ रहे हैं और एक बीच ही में डर गई उससे। क्रूज का भी कंफर्म नहीं पता, हम लोग सोच रहे हैं क्रूज में जाए ना जाए, क्योंकि 3.5 घंटे का है और 3.5 घंटे में ना बोर हो जाते हैं, इसके लिए सोच रहे अभी जाए ना जाए। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना इसके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। ये अंदर के शॉप्स हैं ये।
अंदर से शॉप्स हैं। बना रही हूँ अंदर पेंटिंग सब देखने दो। अच्छा रिटर्निंग में देख लेंगे। यहाँ पे शायद सुविनियर शॉप्स हैं। पापा बोल रहे थे कि मुझे और सुविनियर्स चाहिए पर मैं नहीं खाऊंगा। सुना था मैंने कुछ तो सुना था। अच्छा लगा ना छोटे छोटे घर लगे रेड कलर वाला ले लेंगे। ये वाला ये देखो यूनिक लग रहा है थोड़ा। क्या वो भी है? ये भी अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला? ये रेड वाला बोल रहे हो? ठीक है रेड वाला ले लो। ये वाइट मत देना, वाइट थोड़ा पसंद है तो ये रेड रेड ले लो, रेड भी अच्छा है। लेकिन इसमें रेड में दो पैटर्न है, एक ही वाला है। हाँ पूरा रेड ठीक है। नहीं वो बहुत महंगा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वहाँ से जो है ना सुविनियर शॉप से एक कप लिया मेरे हस्बैंड ने, जैसे मैंने लिया था ना ओस्लो से वैसे ही कप लिया। और एक हाउस लिया है, हाउस आपको पता है वो 16 यूरोस का है। और कप जो था ना 14 यूरो का था। यहाँ पे सारे जो है ना सुविनियर्स बहुत महंगे हैं, 6 यूरो से नीचे कुछ भी नहीं है। इंडिया के 550-600 रुपये से नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी शॉप्स ही हैं सुविनियर्स की। फ्रेंड्स देखिए सामने जो घर बने हुए ना, ये पूरे लकड़ी से बने हुए हैं और 700-800 साल पुराने हैं ये घर। बहुत पुराने पुराने हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी जो बनावट है कितनी अच्छी है। और लोग जो है ना ग्रुप में आए हुए हैं, टूर लिया हुआ है। ये सारा मार्केट जो है ना ऐसी घर से बना हुआ है, लकड़ियों के घर से। यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट गाइड होगा, वो उनको बता रहे हैं इंग्लिश में। बहुत अच्छी तेज धूप निकली हुई है, देखिए सनी है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आ रहा है जो है ना वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। मम्मी क्विकली से अंदर जाके पेंटिंग्स देख सकती हूँ। क्विकली इतना अच्छा पेंटिंग है। तो हम लोग जो है ना मार्केट से बाहर निकल आए और अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना ढूंढ रहे हैं फ़िश मार्केट। हमें जाना है तो हम लोग देख रहे थे कि किधर से जाना पड़ेगा फ़िश मार्केट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोट्स लगी हुई हैं और कई लोग जो है ना अपना प्राइवेट बोट भी हायर करते हैं, तो यहाँ से भी जो है ना बोट हायर कर सकते हैं। और यहाँ पर उन लोगों ने जो है ना बोर्ड लगाया हुआ है प्राइस के साथ कि कितना आवर्स के लिए कितना कितना चार्ज वो लोग करते हैं बोट वाले।
तो यहाँ से जो है ना मार्केट स्टार्ट हो गया था, और स्टार्टिंग में जो है ना वेफल्स की शॉप, आइसक्रीम की शॉप लगी हुई थी, और ये जो है ना फ्रूट्स की शॉप लगी हुई थी। यहाँ पे वो लोग जो है ना स्ट्रॉबेरी और बेरी बेच रहे हैं यहाँ पे। और आगे जाके जो है ना पूरा का पूरा कवर्ड है मार्केट, वो वहाँ पे फ़िश मार्केट है। और फ़िश मार्केट में जो ना डिफरेंट टाइप की फ़िशेस लगी हुई थी, जिसको मतलब जिस टाइप की फ़िश ख़रीदनी हो, कई लोग जो है ना रॉ फ़िश भी ख़रीद रहे थे। और रेस्टोरेंट्स भी थे अंदर, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, अलग अलग टाइप की जो है ना डिशेस वहाँ पे बना के उन्होंने सजा के रखी हुई थी। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, देखो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से फ़िश मार्केट। और यहाँ पे जो है ना पूरी सजा के रखे हुए थे फ़िश बना के यहाँ पे। और ये जो है ना मेन्यू है, और मेन्यू में जो प्राइजेस थे ना वो तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना महंगे लग रहे थे, मतलब कोई भी प्राइस जो है ना रीज़नेबल नहीं लग रहा था। अभी मैंने देखा फ़िश का प्राइस जो हम लोग खाने का सोच रहे थे वो 30 यूरो पर पर्सन दिखा रहा था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगे कहाँ पे, ये देखिए कितने सारे मतलब छोटे छोटे जो है ना उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, ये पूरे के पूरे कवर किया हुआ है, और अंदर जो है ना वो लोग सर्व कर रहे हैं। और इस साइड में भी है, इस साइड में भी जो है ना ये लोग रॉ फिश बेच रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रैब्स वगैरह रखे हुए हैं अंदर। तो यहाँ पे जो है ना ये फ़िश बना के रखी हुई है राइस के साथ, जैसे हम लोग अपना खाते हैं ना फ्राइड राइस, उस टाइप का बना के रखा था फ़िशेस के साथ। और ये लोग ना यहाँ पे जो है ना मैरिनेटेड फ़िश भी बेच रहे थे। यहाँ पे ये देखिए फ़िशेस हैं, ये मैरिनेट करके रखी हुई हैं। और ये साथ में ये रेनडियर के जो है ना सॉसेज़ हैं, यहाँ पे रेनडियर के सॉसेज जो है ना आई थिंक बहुत फेमस है, मैं हर जगह देख रही थी रेनडियर के सॉसेज लगे हुए थे। और ये जो है ना फ़िश के जो है ना एग्स हैं, ये तो ये फ़िशेस के एग्स निकाल के इन्होंने बॉटल्स में रखे हुए थे। ये मैंने कहीं पे टीवी के किसी प्रोग्राम में भी देखा था कि ये लोग यहाँ पे जो है ना अंडे बेचते हैं इसके फ़िश के, तो ये सब स्टोर करके रखे हुए थे इन्होंने यहाँ पे डब्बे में, और लोग काफ़ी लोग जो है ना लेके जा रहे थे यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे ना प्राइस चेक कर रहे थे कि कौन सा वाला हम लोगों को ट्राई करना है। यहाँ पे बहुत टाइप की जो है ना फ़िशेस लगी हुई थी मेन्यू में, तो हम लोगों को तो सैल्मन ट्राई करना था पोटैटोस फ्राइज़ के साथ। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे कि उसका प्राइस कितना है, और आप देख सकते हैं 359 नॉक है उसका प्राइस। तो फ्रेंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं पर खाएँगे 30 यूरो वाला, क्योंकि इतनी दूर सा है तो हमेशा याद रहेगा कि हमने ट्राई किया था यहाँ का फ़िश, इसके लिए हम लोग यहीं खाने वाले हैं। और अभी हम लोग पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने गए थे, यहाँ पे 10 नॉक था उसका भी प्राइस, बट लकीली जो है ना वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो उसके एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। जैसे ही डोर क्लोज होने वाला था उससे पहले ही दूसरा बंदा घुस जा रहा था, तो हम लोगों ने फ्री में जो है ना टॉयलेट यूज़ कर लिया था, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फटाफट से जो है ना हम लोग खाना खाने जाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसा है फिश एंड टेस्ट यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम लोग ना इस वाले रेस्टोरेंट में ट्राई करने वाले, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत अच्छी भीड़ लगी हुई है। सर पहले उसको बोलना पड़ेगा कि वो सीट अलॉट करेगा। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी जो है ना वो ऑर्डर लेने के लिए आएगा हमारा, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। सैमी तो शायद नहीं खाने वाली, क्योंकि उसको स्मेल आती है फिश से, तो हम लोग ट्राई करेंगे सैमी के लिए, कुछ और ऑर्डर करेंगे। और हम लोगों ने जो है ना सन में बैठे हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे से जो है ना पीक पर पूरा का पूरा जो है ना सूरज आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और मैक्सिमम लोग जो है ना वही ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, सैलमन एंड पोटैटोस। हाँ भरा हुआ है इसका, तो काफ़ी ज़रूर आया। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ना ये वाला ऑर्डर करने वाले हैं सैलमन रोल, ये है 359 नॉक का। इसमें जो है ना बेक पोटैटोज होंगे, सैलड होगा, ब्रोकली कुकुम्बर सैलड, क्रीम एंड हॉलीनेट डेज, पता नहीं क्या है ये। तो ये वाला हम ऑर्डर करने वाले हैं। हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था ना ये उससे बहुत कम क्वांटिटी में, और पर प्लेट हम लोगों ने दिया 2855 रुपये, मतलब 2855 रुपीज़ हमने पर प्लेट दिया। और आप देख सकते हो 3 आलू दिए उन्होंने छोटा सा, और एक छोटा सा स्लाइस दिया है फ़िश का। और मेरे हस्बैंड ने फ्राइज़ लिया था, क्योंकि सैमी को फ्राइज़ पसंद है, बेक पोटैटोज़ पसंद नहीं है। बट क्वांटिटी जो है ना बहुत ही कम था उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने प्राइस चार्ज किया था। और ऑलमोस्ट जो है ना ये 6000 रुपये पड़ गया, क्योंकि 5% जो है ना हम लोगों ने टिप भी दिया था। चॉकलेट वाला है और ये भी है,
ये इसके साथ है क्या? जेली टाइप जेली बता फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने जो है ना सैमी के लिए लिया है वेफर, क्योंकि सैमी जो है ना साल में तो खाती नहीं है, तो उसके लिए वेफर लिए, चॉकलेट वाला वेफर। और ये जो है ना हम लोगों को पड़ा और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, बहुत खाने में सैमी, आई थिंक 89 का पड़ा, 89 कोरोना ऐसा कुछ पड़ा। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना ऊपर जाएंगे वहाँ पे टॉप व्यू देखिएगा, देखिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे जाना पड़ेगा केबल कार से, कहाँ से हम लोगों को टिकट खरीदनी पड़ेगी, वो देखिए बिल्कुल टॉप पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी जो है ना थोड़ा गर्मी बढ़ गई है, गर्मी लग रही है इस टाइम पे, सुबह थोड़ा सा ठंडा था लेकिन अभी गर्मी है, अगर धूप में डायरेक्ट खड़े हुए तो धूप चुभ रही है। तो ये वाला अट्रैक्शन घूमने के बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बोट टूर है जो 3 घंटे 5 घंटे वाला है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लेना ले, क्योंकि सामी जो ना परेशान करने लग जाती है थोड़ी देर के बाद, कहती है चलते हैं चलते उतरते हैं, अभी तो बोल रही है कि जाना है लेकिन पता नहीं, देखते हैं बात का। फ्रेंड, यहाँ से जो है ना हम टिकट लेने वाले ऊपर के लिए, टिकट लाइन है यहाँ पर पूरा। फ्रेंड्स, हमारा जो है ना स्टॉपेज आ गया है, अब हम यहाँ पे उतरेंगे। तो यहाँ से जो है ना ऊपर से टॉप व्यू दिख रहा था बर्गन का, सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, और जो है ना यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी और सीढ़ियों में जो है ना लोग बैठे हुए थे, और पीछे जो है ना लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे बैकग्राउंड के साथ, और यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ था खेलने के लिए, तो काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज जो है ना बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, सारे लोग आए हुए थे घूमने के लिए, कुछ लोग पिकनिक भी कर रहे थे और कुछ बच्चे स्कूल से भी आए हुए थे यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन था, ऐसा लग रहा था मतलब जंगल के बीच में जो है ना इन्होंने कुछ एक एरिया जो है ना कवर कर लिया, और उसमें इन्होंने पार्क वगैरह सब बनाया हुआ है, तो बहुत ही मतलब सुंदर था जो ऊपर से व्यू लग रहा था ना बर्गन का देखने के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और धूप होने की वजह से जो है ना वो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैं और सैमी जो है ना हम लोग आगे ऊपर की तरफ और देखने के लिए गए कि क्या है वहाँ पे, उसके पापा तो रेस्ट करने लग गए थे लेकिन मैं और सैमी गए। तो आगे जो है ना यहाँ पे बकरियाँ रखी हुई थी, बच्चे जो है ना बकरियों के साथ खेल रहे थे, तो मैंने सैमी को बोला, मैंने कहा हम लोग भी देखते हैं वहाँ पे कि क्या रखा हुआ है, तो देखा तो वो बकरियाँ ही थी वहाँ पे। आगे चलते हैं, अरे वो तो नंबर है उनका, सैमी नहीं उसको हाथ में नहीं देना, क्यों उसको उसके वहाँ पे पीछे ही पैट करना, सॉरी उधर, क्यों उसके, हाँ सेम है वहाँ पे, ये ना ऊपर और भी है देखो बैठे हुए, कहाँ ऊपर किस लिए आना है, और करना है उनको पैट। तो आ जा फिर, यहाँ कीचड़ है, यहाँ से आपको वो नहीं करना फोटो, उनको लेकिन कुछ फीड नहीं करना, हाँ उस पर लिखा हुआ है। बहुत सारे ये भी है वो भी है, तो ये जो है ना यहाँ पे 10 बकरियाँ रखी हुई थी,
और इनके जो है ना नाम दिए हुए थे यहाँ पे सब बकरियों के, उनके टैग लगा हुआ था कान पे और उनके जो है ना नाम रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए टाइम पास करने के लिए सही था ये, और जो है ना ये बहुत फ्रेंडली भी थे, मतलब कुछ ही कोई हार्म नहीं कर रहे थे। बच्चे इनको जो है ना आराम से जो है ना सहला रहे थे, खेल रहे थे। देखिए बच्चे यहाँ पे खेले जा रहे हैं उनके साथ। उसके बाद हम लोग जो है ना वापस आ गए नीचे। हम लोग जो है ना पनीकुलर से वापस आ गए हैं और अभी दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं। देखते हैं, अभी हम इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाने वाले हैं पता करने के लिए कि यहाँ पे और पर कौन सी जगह है घूमने के लिए। और मेरे पीछे ना मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है, इंडिया गेट। तो फ्रेंड्स ये जो है ना इन्फॉर्मेशन सेंटर है, तो सैमी और उसके पापा जो है ना ऊपर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए हैं। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ से जो है ना छोटा सा बोट राइड ले ले। जो हमारा जो टिकट था ना 24 आवर्स का, वो रात को 8 बजे तक वैलिड रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने कल लिया था वो 8 बजे, तो अभी भी उसकी वैलिडिटी है। तो उसमें जो है ना ये बोट कवर थी, 15 मिनट की है। हम लोग उतरेंगे नहीं इस बोट में, हम लोग जाएंगे और इसी बोट से हम लोग वापस आ जाएंगे। तो हम लोग जो है ना बस ऐसे ही देखते देखते जा सकते हैं कि रास्ते में कौन कौन से जो है ना छोटे छोटे इनके विलेजेस पड़ रहे हैं। तो बस व्यू देखने के लिए हम लोग इसमें जा रहे हैं। बड़ा क्रूज़ में हम लोगों ने टिकट नहीं लिया इसके लिए, क्योंकि उसमें जो है ना सैमी हमें परेशान करती, 3.5 घंटे का था और 3.5 घंटे जाना और 3.5 घंटे आना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैक्टिक हो जाता। और बोट जो है ना काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हो सीटें खाली पड़ी है ऑलमोस्ट, क्योंकि सबके सब जो है ना ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से जो है ना सबको जो है ना व्यू देखना है और वीडियोस वगैरह बनानी है, तो हम लोग भी जो है ना ऊपर जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी साथ में। इतना बड़ा है, देख उधर तक गया हुआ। ये रूम्स हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे क्रूज रुके हुए थे। ये वाला क्रूज तो जा रहा था, लेकिन जो मैंने पहले दिखाया था वो यहाँ पे जो है ना हॉल्ट कर रहा था। तो लोग जो है ना बाहर निकल जाते घूमने के लिए, एक दो दिन के लिए क्रूज जो है ना यहाँ से फिर हॉल्ट करता है। तो सैमी जिद करी थी उसे जाना है यहाँ पे क्रूज में, लेकिन हम लोगों ने वैसे भी जो है ना उस क्रूज़ के लिए पता किया था, जो 3.5 घंटे वाला था उसकी टिकट ऑलरेडी जो है ना सोल्ड आउट थी। वैसे तो जाने का मन था भी नहीं और टिकट भी जो है ना उसकी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, मेरे बाल देखो कितनी तेज़ जो है ना हवा में उड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ गए थे 6:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो हम लोग जो है ना अपना जो है ना डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में मैं बना रही हूँ चाय और इधर अंडा करी। मैं अंडे बॉईल करके गई थी सुबह और ये मैंने प्याज काटा है, प्याज बहुत मोटा मोटा काटा है क्योंकि चॉपिंग बोर्ड नहीं है इसके पास, चॉपिंग बोर्ड नहीं रखा हुआ है अभी में, मुझे ऐसे ही काटना पड़ा। तो मैं ट्राई करूँगी बनाने का और 6 अंडे, 6 तो नहीं खाएंगे एक साथ, कल के काम भी आ जाएंगे, तो मैं ज़्यादा बना दूँगी अंडा और आलू डाल के। तो चलिए मैं फटाफट से जो है ना अंडा करी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स देखो मैं स्निकर्स बना रही हूँ। मम्मा उसके ऊपर मुझे टेप दोगी इनके लिए? ठीक है पहले बनाती हूँ। ओके मैं फ्रेंड्स मैं पूरा पेज फिल कर दूंगी, उसके बाद मैं मम्मी को आस्क करूंगी काटने, मेरे पास सिजर्स नहीं है। ठीक है। और ये बहुत क्यूट होने वाले, मैं एक ड्रॉइंग वीडियो से बना रही हूँ स्निकर्स को। ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ना अंडा करी बन के रेडी हो गया है। देखिए कितने अच्छे से जो है ना कलर आया है अंडा करी का। जो भी मसाले थे मेरे पास मैंने वही यूज़ किए, बेसिक जो चार मसाले मैंने लेके आई थी, और क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही बनाया जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ये राइस भी बना हुआ है और राइस का क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा ही बनाया है। अगर ज़्यादा हो गया तो मैं जो है ना इन्हें फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज तो है यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो चलिए फटाफट से जो है ना हम लोग गर्मा गर्म खा लेते हैं एग करी और राइस। और घर का खाना मिल जाए सफ़र में तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब घर की याद नहीं आती कि खाना हम मिस कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने खाना खाने के बाद सारे बर्तन जो है ना यहाँ पे धो दिए हैं ताकि जो है ना सुबह हम लोग वापस से यूज़ कर सकें इन बर्तन। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।